हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिगेट बेंच यूट्यूब चैनल पे। आज हम कराने जा रहे हैं साइंस का ब्रिटिश शर्ट जो आपके नेवी अमेरिका एग्जाम के लिए है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा, यदि एक ही लंबाई तथा समान व्यास के नाइक्रोम चांदी कास टेंटन तथा मैंगनीज के तार के लिए तार लिए जाए तो सबसे कम प्रतिरोध होगा। तो सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा? तो सबसे कम प्रतिरोध होगा चांदी का। किसका होगा? चांदी का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के सभी समस्थानिकों में समान होती है। तो किसी तत्व के सभी समस्थानिकों में क्या समान होती है? उनमें समान होती है परमाणु संख्या। क्या होती है? परमाणु संख्या समान होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया निम्न में से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है। किनको करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक बार की धड़कन में हृदय रक्त धकेलता है। तो एक बार की धड़कन में हृदय कितना रक्त धकेलता है? तो ये धकेलता है 70 मिली। कितना धकेलता है? 70 मिली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण हेतु लेते हैं, यानी दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण हेतु कौन सा लेंस उपयोग में लेते हैं? तो इसके हम उपयोग में लेते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेते हैं? उत्तल लेंस लेते हैं दीर्घ दृष्टि दोष में, और निकट दृष्टि दोष में लेते हैं हम अवतल लेंस का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्यूबलाइट के कार्य करने का सिद्धांत है। तो ट्यूबलाइट के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो यह है गैसों का विद्युत विसर्जन। क्या है? गैसों का विद्युत विसर्जन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता कम या अधिक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता कम या अधिक करने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है ट्रांसफार्मर। क्या लाया जाता है? ट्रांसफार्मर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी बंद कमरे में पंखा चलाने से कमरे का ताप, यानी किसी बंद कमरे में अगर पंखा चला दिया जाए तो उस कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस कमरे का ताप बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानी का पूर्णांक 1.33 है। तो पानी में प्रकाश का वेग मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा? तो आपको पानी का प्रकाश वेग बताना है। अगर जब पानी का पूर्णांक 1.33 हो तो ये वेग होगा आपका 2.25×10^8 मीटर। कितना होगा? 2.25×10^8। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेट्रोल में लगी आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता। तो पेट्रोल में लगी आग को पानी से क्यों नहीं बुझाया जा सकता? तो ये नहीं बुझा सकता क्योंकि पेट्रोल पानी पर तैरने लगती है। क्या होता है? पेट्रोल पानी पर तैरने लगती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन में अधिकतर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो प्रोटीन में अधिकतर पाया जाता है नाइट्रोजन। कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन पाई जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है? तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है गामा किरणों की। किन की होती है? गामा किरणों की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पतीली का पानी गर्म आग पर रखने पर एक साथ पूरा गर्म हो जाता है। तो ये किसके कारण गर्म हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका संवहन द्वारा। किसके द्वारा? संवहन द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए की बत्ती में तेल किस प्रकार छड़ता है? तो दिए की बत्ती में तेल छड़ता है आपका केशुकत्व से। किससे छड़ता है? केशुकत्व से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती वस्तु का भार होता है, यानी स्वतंत्रता पूर्वक गिरती वस्तु का भार कितना होता है? तो उसका भार होता है शून्य। कितना होता है? शून्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य का श्रव्य परास है। तो मनुष्य का श्रव्य परास कितना है? तो ये 20 से 20,000 हर्ट्ज। कितना होता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि पानी में भिन्न भिन्न व्यास की नलिकाएं डुबोई जाती हैं तो पानी का तल ऊंचा हो जाता है। तो क्यों हो जाता है ऊंचा? क्योंकि कम व्यास वाली नली में पानी ज़्यादा चढ़ेगा। जब पानी में भिन्न भिन्न व्यास की नलिकाएं डुबा दी जाएँ तो पानी का तल ऊंचा होगा, क्योंकि कम व्यास वाली नली होने के कारण उनका व्यास ऊंचा हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घर्षण है। तो घर्षण क्या है? तो घर्षण एक बल है। क्या है? घर्षण एक बल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समतापी प्रक्रम में अणुओं की आंतरिक ऊर्जा, तो समतापी प्रक्रम में अणुओं की आंतरिक ऊर्जा अपवर्तित रहती है। क्या होता है? अपवर्तित रहती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वासिकोर किस कमी के कारण कमी से होता है? यानी क्वासिकोर है जो किस कमी से होता है? तो ये होता है आपका प्रोटीन की कमी से। किसके कारण होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अत्यधिक ठंडे मौसम में पानी की नलिकाएं फट जाती हैं। क्यों फट जाती हैं? जब पानी बर्फ़ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। यानी अगर पानी बर्फ़ में चेंज होगा तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है। तो प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण क्या होता है? जो होता है आपका CO+N2। क्या होता है? CO+N2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के भाग होते हैं। तो हृदय के कितने भाग होते हैं? हृदय के होते हैं 4 भाग। कितने होते हैं? 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
निम्न में से किन दो राशियों की विमाएं समान होती हैं? तो किन दो राशियों की विमाएं समान होती हैं? तो ये होती हैं आपकी कार्य ऊर्जा की विमाएं समान होती हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।